नमस्कार दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि संडे इवनिंग क्या स्नैक्स बनाया जाए तो झट से मेरा रेसिपी देख लो। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी चिकन कटलेट। तो चलिए ये रेसिपी को हम लोग सीख लेते हैं, पर अगर आप चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम श्रेडेड चिकन, 2 उबला हुआ आलू, चॉप्ड हरी मिर्च और धनिया पत्ता, 1 मीडियम साइज्ड अनियन, सारे इंडियन स्पाइसेस, 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स एंड सेमोलिना मिक्स और टोमेटो प्यूरी। एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल के सॉफ्ट होने तक पकाएंगे अच्छे से। उसके बाद सारे इंडियन स्पाइसेस डाल देंगे और रॉ स्मेल जाने तक अच्छे से पकाएंगे। यहाँ तीखा और नमक आपके स्वाद अनुसार देना है। मसाला पक जाने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन को मसाले के साथ अच्छे से पकाएंगे। अब देख सकते हो मसाले से तेल छोड़ रहा है और चिकन भी अच्छे से पक गया। अभी हम बॉइल्ड आलू को मैश कर लेंगे और इसे हम चिकन के साथ मिला लेंगे। अब इसमें हमें 1.5 से 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी डालना है। स्टफिंग का टेस्ट बहुत ही चटपटा होने वाला है, इसीलिए सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करें। फाइनली इसमें चॉप धनिया मिला के 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे और स्टफिंग का छोटा सा एक पोर्शन लेके उसको अपने मर्जी एक शेप देंगे। हमारा स्टफिंग रेडी है, अभी हम एग वॉश बना लेंगे। इसके लिए हम 2 अंडों का इस्तेमाल किया है और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। अभी एक एक स्टफिंग लेके पहले हम एग वॉश में डुबाएंगे, फिर उसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेने के बाद हम इसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे ताकि कोटिंग अपने जगह पे सही रहे और हमारा कटलेट ज्यादा क्रिस्पी हो। ध्यान रखिए कि कटलेट चारों ओर से अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करते रहेंगे। बन गया आपका गर्मा गर्म चटपटा क्रिस्पी चिकन कटलेट, जिसे आप कोई भी अपने पसंद का सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दीपंस डेलिकेसी।